नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा से पुलिस ने एक 39 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ठाणे हाफ्ता विरोधी दस्ते के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा को गुप्त सूत्रों से सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मुंब्रा कौसा में जाल बिछाकर 39 वर्षीय अभिल प्रकाश रॉबर्ट मोथेरो को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से 4 किलोग्राम इफेड्रिन नामक पाउडर बरामद किया गया है। इस इफेड्रिन पाउडर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक विलास वसंत कुटे ने सरकार की ओर से किए गए शिकायत पर दिमाग को अचेत अवस्था में आने वाला दवा व मनोउपचार पर असर करने वाला पदार्थ जो अधिनियम 1985 की धारा 8 का 9A 25A के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी नवी मुंबई के खारघर का रहने वाला है। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि इफेड्रिन नामक ये ड्रग्स उसने युवा लड़के लड़कियों के रेव पार्टी और मौज मस्ती करने के लिए मुंब्रा में बेचने के मकसद से चेन्नई से लाया था। इस कार्रवाई में ठाणे पुलिस आयुक्त विवेक फंसलकर, पुलिस सह आयुक्त मधुकर पांडे, अपर पुलिस आयुक्त क्राइम प्रवीण पवार, पुलिस उपायुक्त क्राइम दीपक देवराज सह पुलिस आयुक्त यूनिट 2 क्राइम ब्रांच के एंटी कदम के मार्गदर्शन में तथा हफ्ता विरोधी दस्ते के प्रदीप शर्मा का सहयोग रहा। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।